नमस्कार, माँ के हाथ का खाना बिहारी खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से खोआ। तो इसके लिए दूध हम ले लिए हैं, जो हल्का गर्म कर लिए हैं, सुसुम कर लिए हैं। इसको हम एक गिलास में रख लेंगे। इसमें हम मिल्क पाउडर मिलाएंगे। मिल्क पाउडर मिला करके इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। मिल्क पाउडर इसमें अच्छी तरह से घुल गया है, बहुत जल्दी मिल गया है। ठंडा दूध डालिएगा तो जल्दी नहीं होगा। सौ ग्राम मिल्क पाउडर हम ले लिए हैं, उसमें 250 ग्राम दूध रख करके अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब हम कढ़ाई चूल्हा पर चढ़ा करके, अब चूल्हा जला करके इसको हम मिलाएंगे। अमूल्य का मिल्क पाउडर लिए हैं। आप चाहे तो कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट कीजिएगा। अब दूध गाढ़ा हो गया है, खोआ हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं, जो जमा हुआ घी है। खोआ तैयार हो गया है, कढ़ाई छोड़ दिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे, जो मीडियम ही ताव में हम बनाए हैं। गैस बंद करके छोड़ देंगे। 10 मिनट में खोआ बन गया है, खोआ बनकर तैयार है। आप जो चाहे चंद्रकला बनाइए, प्रिकिया बनाइए। हम चंद्रकला बनाने के लिए खोआ बनाए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।